ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने मंडी में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी चयन को लेकर की गई नौटंकी से आम कार्यकर्ता का मनोबल गिरा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार चारों सीटें जीतकर केंद्र में एक बार फिर से मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। पत्रकार वार्ता करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने कहा कि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार चारों सीटें जीतकर केंद्र में एक बार फिर से मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से दिशाहीन है, वहीं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आए दिन भाजपा नए आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देश के सबसे दूसरे ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में सम्मानित किया गया था। उनको प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व अनुभवी मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह ने भी तारीफ की थी। हालांकि वीरभद्र सिंह ने पंडित सुखराम को आया राम गया राम कहा, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पीठ थपथपाई। अजय राणा ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने 68 में से 67 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा एक ही साल में करके नए विकास की इबारत को लिखा है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चारों सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी को पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगी, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जनता के बीच, लोगों के बीच वोट मांगने जाएगा। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश में इस देश के दूसरे नंबर पे ईमानदारी के लिए लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो अभी सर्वे में साबित हुआ है, और उसकी तारीफ जो है 6 बार रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी कर चुके हैं, और अभी हाल ही में जहां वो अपनी नाराजगी आया राम गया राम के ऊपर व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा रहे थे। वर्ष में 68 में से 67 विधानसभा में जिन्होंने दौरा किया है, और इस दौरे के दौरान उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में जो वहां की जनता ने मांगा है उसको देने का प्रयास किया है, और आने वाले समय में इसके अच्छे रिजल्ट्स सरकार में होंगे, जनता के सामने होंगे।